समझते हैं ई चलन। ई सबसे पहले समझते हैं ई चलन होता क्या है, ई चलन कैसे बनता है, और ई चलन बनने के बाद आपको अगर लगता है वो ई चलन है वो सही है, आपने गलती किया है और वो उसका पेमेंट आपको करना चाहिए, तो उसे ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है, या अगर लगता है कि ये चलन ये जो बना है ये वो गलत है, तो आप उसके लिए ग्रेवियंस भी रेज कर सकते हो, तकरार भी रेज कर सकते हो RTO को। सो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का वेबसाइट है जहाँ से आपका ई चलन चेक कर सकते हो। आप यहाँ से चेक कर सकते हो या प्रीवियसली आपका कोई ई चलन बना है या नहीं बना है। यह है महाराष्ट्र ट्रैफिक चलन .gov.in, ये वेबसाइट है, यहाँ से आपको चेक करना है। ये वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ दो ऑप्शंस है, एक व्हीकल नंबर और दूसरा चलान नंबर। आप चलान नंबर आपको पता नहीं है तो व्हीकल नंबर से आप यहाँ चलान चेक कर सकते हो। तो आपको आपका व्हीकल नंबर यहाँ टाइप करना है और यहाँ चेसी चेसी नंबर, लास्ट 4 डिजिट ऑफ चेसी नंबर यहाँ आपको मेंशन करने हैं, और आपका मोबाइल नंबर अगर लिंक करना है इस ई चलान के साथ, तो यहाँ से आप आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर कर सकते हो। और अगर आप चलान देखने के बाद आपको लगता है कि ये ई चलान जो बना है वो गलत है, तो आप यहाँ से ग्रेवियंस रेज कर सकते हो RTO को, और बता सकते हो कि ये जो ई चलान कटा है वो गलत है इस तरह से। सो इस तरह से यह आपको आपका व्हीकल नंबर डालना है और चेसी का लास्ट 4 डिजिट यहाँ डालना है, और उसके बाद यह आपको क्लिक करके ये जो है उसे वेरीफाई करना है। और वेरीफाई पे क्लिक करना है और यह सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको ये नेक्स्ट विंडो आएगा, यहाँ आपको आपके चलान का डिटेल्स दिखेगा। प्रीवियसली आपके आपसे कोई आपको पता भी नहीं है और चलान कटा है, तो वो डिटेल्स यहाँ आपको दिखेगा। अभी ये चलान कटता कैसे है, जैसे आप आपकी कार या बाइक को नो एंट्री में से लेके गए हो और वहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस तो नहीं है, बट वहाँ RTO के कैमरे फिट होते हैं और कैमरे में आपका व्हीकल कैप्चर होता है, फोटो निकलता है और उससे है ई चलान जनरेट होता है। या कोई आप जेब्रा क्रॉसिंग पे कार पार्किंग किया है या नो पार्किंग में क्या कार आप खड़ी की है, तो ये ई चलान जनरेट होता है क्योंकि वहाँ RTO के कैमरे फिट होते हैं और उसमें आपका व्हीकल कैप्चर होता है। तो इस तरह से है ई चलान जनरेट होता है। जनरेट होने के बाद अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको मैसेज आता है, या आपको यहाँ से आप यहाँ से भी लॉग इन करके आपके ई चलान का डिटेल चेक कर सकते हो। डिटेल चेक करने के लिए यहाँ व्यू पे आई दिख रहा है, यहाँ आपको क्लिक करना है और ये एक पेज ओपन होता है। यहाँ पूरा चालान नंबर, कौन से डेट को चालान कटा है, टाइम क्या है वो भी आपको यहाँ पता चलेगा, आपका व्हीकल नंबर और पेमेंट स्टेटस अनपेड है, मतलब इस चालान का जो भी चार्जेस है वो अभी तक पेड नहीं किया है। दूसरा है एविडेंस है, ये देखो यहाँ ये इमेज है, यहाँ आप क्लिक करोगे तो ये आपका व्हीकल है जो नो पार्किंग में खड़ा है। एक्चुअली मुझे ये चलान मेरे लिए चलान बना है, उसका रीज़न इन्होंने वहाँ लिखा है कि नो एंट्री इन वन वे, सो नो एंट्री में मेरा बाइक पार्क है, इसलिए मुझे 200 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा। मुझे खुद को नहीं पता ये चलान बना है जनवरी 2020 में, मुझे कल ही पता चला इस चालान के बारे में, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसा भी कोई ई चालान का फैसिलिटी है। और आपको लगता है ये ई चालान सही है तो आपको यहाँ से पेमेंट करना है, यहाँ सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद ये रेड जो दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको आई एग्री पे क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप या दो ऑप्शन है, दो में से कोई भी आप ऑप्शन चूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं।